वेलकम, हाउ आर यू ऑल, इट्स मी आयशा उस्मान जी। तो मैंने अभी आपको जो क्लिप्स दिखाए हैं वो मैं पार्लर गई हुई थी। सैम ब्यूटी पार्लर इज़ वन ऑफ द बेस्ट पार्लर इन सियालकोट आफ्टर डिप्लेक्स एंड ब्यूटी आइकन्स। ब्यूटी आइकन डिप्लेक्स बहुत अच्छा है, पर उनकी लड़कियाँ थोड़ी सी नकचिड़ी हैं और वो कस्टमर को प्रॉपर तरीके से टाइम नहीं देती हैं। इस वजह से मैं सैम ब्यूटी पार्लर ही हमेशा जाती हूँ और बहुत अच्छा पार्लर है, नियर क्लॉक टावर है, आप लोग ज़रूर विजिट कीजिएगा। तो राइट नाउ आई एम गोइंग ऑन अ वेडिंग, तो लेट्स गेट रेडी विद मी। दिस इज़ उस्मान शर्ट जो मैं बाहर से लाइन थी वो पहन रहे हैं। दिस इज़ नूरलेंस ड्रेस बाय लाइम लाइट। दिस इज़ अ फ्रॉक स्टाइल लॉन्ग शर्ट एंड दिस इज़ जलाल अहमद पेंट कोट वेस्केट, पता नहीं क्या कहते हैं उसको, मुझे लड़कों के कपड़ों के नाम नहीं आते। दिस इज़ 6 to 9 months पर जलाल को अभी भी पूरा है। एंड आई एम शेख जलाल बाबा स्लिपिंग। नूरलेंस शिजा के साथ गई हुई है सिंदबाद और मैं अभी कपड़े प्रेस कर रही थी। और ये है मेरा बैग एंड माई ज्यूल्स विच एम गोना वेयर। टाइम हो गया है अभी 7:08 बजे, हम लोगों ने निकलना है, मैं रेडी होने लगी हूँ। अभी मैं वॉश लेके आई हूँ जलाल को, अभी मैंने तैयार करना है, नूर को भी करना है, मैं हो जाऊँगी जल्दी से। आज मैं मेकअप करने लगी हूँ, तो लेट मी शो यू कि मैं कौन सा मेकअप करने लगी हूँ। दिस इज़ ड्रेस बाई नीडल्स इंप्रेशन। दिस इज़ ऑल्सो गिफ्टेड टू मी बाई माई भाभी ऑन हर वेडिंग। तो इसके नीचे बहुत अच्छी लाइनिंग है, साथ में जो है ना ये शर्ट है पूरी भरी हुई है। अगर आप लोगों ने ऐसे ड्रेसेस देखने हैं तो आप मेरे पेज पे जाकर देख सकते हैं, लिंक इज़ इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स। नंबर मैं नीचे लिंक करूँगी, आप लोग वो कॉपी कर लीजिएगा, वहाँ पे आप ऑर्डर करेंगे। ऑर्डर्स जो है ना, ऑर्डर्स एंड पेमेंट्स, ड्रेसेस की पिक्चर्स वगैरह वो सारी मेरी सिस्टर करती है, शिजा नाम है उसका, और सारी स्टिचिंग और डिलीवरी वो मैं करती हूँ। तो आप लोग अगर आपने ड्रेसेस ऐसे देखने हैं, स्टिचिंग चाहिए, डिलीवरी चाहिए, यूके, यूएसए, कनाडा, कहीं पे भी, तो आप लोग जो है ना हाउस ऑफ रेप्लिका ओरिजिनल डिजाइनर ड्रेसेस पे ऑर्डर कर सकते हैं, या नंबर मैंने नीचे ब्लिंक किया है उस नंबर पे भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। ओके जी, नाउ लेट्स गेट रेडी विथ मी। ओके जी, तो सबसे पहले ये सब खराब हुआ हुआ है, अभी सारी लिपस्टिक्स जो है ना ठीक करनी है। फिलहाल मैं लगाऊंगी दिस, इट्स मटेरियल गर्ल, इट्स माय हुदा ब्यूटी, और आँखों पर मैं यूज़ करूँगी दिस इज़ माई डियोर किट, ये मैं आँखों पर यूज़ करूँगी। दिस इज़ माई कंसीलर एंड दिस इज़ माई हाईलाइटर, शायद मैं ये यूज़ करूँ बिकॉज ये मुझे चीक्स पे बहुत अच्छा लगता है। एंड ये थोड़ा बहुत अभी, ये तो सेट है सारा, सिर्फ लिपस्टिक सेट होनी है। इसके मैं स्वेचेज आप लोगों को दिखाऊँगी बिकॉज मुझे काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि लिपस्टिक के स्वेचेज दिखाएँ, तो वो इंशाल्लाह ताला मैं थोड़े दिनों तक आपको लिपस्टिक के सारे स्वेचेज दिखाऊँगी। और आँखों पर मैं यूज़ करने लगी हूँ डियोर किट के साथ साथ में ये, दिस इज़ बाई रिवाज हेयर, दिस इज़ बाई रिवाज, और साथ में जो है ना दीज आर द ब्रशेज बाई ब्यूटीफाई बाई आमना। एंड अब मैं चीज़ें यूज़ करती हूँ, शायद मैं ये वाली लिपस्टिक्स यूज़ कर लूँ, दिस इज़ मेबेलिन सुपरस्टे एंड द नंबर इज़ 20। ये बहुत अच्छा शेड है, अभी ये मैंने लगाया, मुझे बहुत अच्छा लगा है, पर आई एम नॉट श्योर अभी मैं मटीरियल गर्ल लगाऊँगी या ये लगाऊँगी, तो लेट्स सी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोना प्राइम माई फेस विद दिस पोरिफाइड प्राइमर बाई ब्यूटीफाई बाई आमना। इसके साथ पोर्स बंद हो जाते हैं, बहुत अच्छा प्राइमर है, मैं 2 यूज़ कर बैठी हूँ एंड दिस इज़ माई 3rd one। तो सबसे पहले मैं इसके साथ अपना पूरा चेहरा कवर करूँगी ताकि जितने भी पोर्स हैं वो बंद हो जाएँ। अच्छा जी, मैं मॉइस्चराइज़र यूज़ नहीं करती बिकॉज मेरा चेहरा पहले ही बहुत ऑयली है, पहले ही और गिर जा रहा है मुँह से, जिस वजह से सिर्फ प्राइमर, और प्राइमर के बाद मैं ये यूज़ करने लगी हूँ, दिस इज़ लॉरियल 24 कैरेट वाली, पर ये तो सिर्फ 3-4 घंटों के लिए लगानी है, पता नहीं 24 घंटे के लिए कौन पागल लगाता होगा। तो अब मैं ये लगाने लगी हूँ, ये लगा के तो फिर बताती हूँ आगे से क्या करना है मैंने। एंड दिस इज़ माई कबूकी ब्रश बाई ब्यूटीफुल बाई एम एन, दिस वॉज अ फ्री गिफ्ट। तो ये अब मैं यूज़ करने लगी हूँ और इतनी मैंने बेस ली है, बस गर्दन और मुंह के लिए थोड़ी सी लगानी है, बोता मैंने चिटा कबूतर नहीं बनना। अच्छा जी, क्योंकि मैं बड़ी कंजूस हूँ, मैं शेख हूँ, तो इस वजह से मैं गर्दन पे ये वाली लगाऊंगी, क्योंकि ये परफेक्ट मैच मेरे लिए तो नहीं था, इस वजह से गर्दन पे मैं ये लगाऊंगी, वो नहीं लगाऊंगी, वो ऐसे ख़त्म ना हो जाए, इस वजह से मैं ये लगाऊंगी गर्दन में बिकॉज आई एम शेख। अच्छा जी, अब आई एम गोना यूज़ दिस कंसीलर, बहुत अच्छा कंसीलर है ये, मुँह के सारे दाग धब्बे मिटा देता है। इसका APK फुल फॉर्म मुझे नहीं आती उसकी, सो आई एम गोना यूज़ दिस कंसीलर अंडर माई आईज एंड अंडर माई चिन बिकॉज वहाँ पर थोड़े से दाग है। और कहाँ यूज़ करते हैं कंसीलर भाई, वीडियो देखे काफ़ी देर हो गई है। मामा जी, मेरा बेटा आपने मुंह पे लिपस्टिक लगाई है? अभी लगानी है मुंह पे? हाँ जी। अब मैं इसको ज़रा मर्ज शर्ज कर लूँ। ओके जी, सो नाउ आई एम गोना यूज दिस एट्यूड रियल लूज पाउडर टू सेट माई फेस एंड दिस इज़ माई, क्या इसे कहते हैं वो, क्यों हो नाम ही भूल गया, बस ये अब मैं यूज़ करूँगी ब्रश के साथ
और साथ में ये मेबलिन का मैट पाउडर है, ये मैं यूज़ नहीं कर रही। साथ में मैं कलर स्टूडियो प्रोफेशनल का ये पिंकी पिंकी यूज़ कर रही हूँ। भाई मुझे नाम नहीं आता, क्या करूँ, नाम एन वक्त वीडियो बनाने वक्त ही भूल जाती हूँ। अच्छा जी, तो हाईलाइटर में मैं ये यूज़ कर रही हूँ, ये मैं आप लोगों को बताती चाहूँगी, इसकी कंपनी चपनी का मुझे कुछ नहीं पता। ये मेरी शादी का हाईलाइटर है, 10 साल हो गए मेरी शादी को और अभी तक ये ख़त्म नहीं हुआ। इतना थोड़ा ये मैं लगाती हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा शाइन वाला है, बहुत अच्छी इसकी शाइन है। और ब्रश मैं वही यूज़ कर रही हूँ, ब्यूटीफाई बाय आमना के तकरीबन 8 ब्रशेज थे, बहुत अच्छे ब्रशेज हैं, बहुत सॉफ्ट हैं, बहुत अच्छे हैं। तो आई एम गोना यूज़ दिस, क्या कहते हैं, हाईलाइटर। और मैं ये वाला हाईलाइटर यूज़ नहीं कर रही बिकॉज मैं ये यूज़ कर रही हूँ मेरी शादी का, अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। ये बहुत ज़्यादा मैंने यूज़ किया हुआ है, बहुत ज़्यादा अपनी चीक्स पे मैं यूज़ करती थी बिकॉज चीक बॉल्स जो है ना वो बहुत गुगले गुगले लगते थे, तो अब मैं ये यूज़ कर रही हूँ। अच्छा जी, आंखों के लिए मैं यूज़ करने लगी हूँ, दिस इज़ माय डियोर की किट जो कि नूर के हाथों बर्बाद हो चुकी थी 2 साल पहले, बट फिर भी मैंने थोड़ी बहुत बचा ली। और साथ में मैं यूज़ करूँगी ये, दिस इज़ बाय रिवाज, ये आँखों के ऊपर लगाऊंगी। साथ में मैं ये मेबलिन का मस्कारा लगाऊंगी और साथ में मैं अपनी ब्राउज जो है ना वो मैं बनाऊंगी, एक मिनट, अपनी आईब्रोज जो है ना, दिस इज़ माय मस्कारा एंड अपनी आईब्रोज मैं इसके साथ बनाऊंगी और आँखों के अंदर जो है ना वो मैं, अब मुझे मिल नहीं रहा वीडियो के अंदर। अच्छा, ये मेरी पेंसिल है और मेरा लाइनर कहाँ है भाई, हाँ हाँ लाइनर कितने डर गया भाई, कैमरे में नज़र नहीं आ रहा, लाइनर ढूंढ के ना फिर बताऊंगी। ये है शायद, नहीं भाई ये तो मेरी मेबलिन की पेंसिल है। लाइनर 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 ये यूज़ करने लगे, दिस इज़ माय लाइनर, सुपर लाइनर है, बहुत अच्छा है, 900 का था, कश्मीर वाले से लिया था, बहुत अच्छा है। ओके, सो दीज आर माई आँखों के प्रोडक्ट्स। ओके जी, तो अब सब कुछ हो चुका है, मस्कारा, आँखों का, मेकअप वगैरह सब कुछ। तो अब मैं जो है ना ये, ओ सॉरी, ये तो मूसी है, लूज व्हाटएवर भाई मेरा, सब लोग कहेंगे अब एक्सेंट नहीं सही आपका आयशा, भैया हम पंजाबी, तो मेरा पंजाबी एक्सेंट है। आई एम गोना यूज़ दिस मटेरियल गर्ल, दिस बाय हुदा ब्यूटी, और ये मुझे बहुत पसंद है और मेरा ड्रेस भी थोड़ा पर्पल पर्पल है, तो इस वजह से मैं ये यूज़ करने लगी हूँ। उसके बाद आई एम गोना सेट माई फेस विद दिस सेटिंग पाउडर, फिक्स मी सेटिंग पाउडर। और नूरालैन आ चुकी है एंड दिस इज़ माई जलाल, नहला के बाहर निकला है, नूरालैन इज़ गेटिंग रेडी एंड दिस इज़ माई एपी केक का फिक्स मी अप। ये सारी लिपस्टिक वगैरह लगाने के बाद मैं इसके साथ अपना मेकअप फिक्स करूंगी और फिर मैं जाऊंगी शादी पे, फिर मैं वहाँ जाकर आपको क्लिपिंग करूंगी। तब तक लिए बाय बाय, टाटा सी यू।